और ये सभी है एमसी होस्टल। तो भाई ये है हमारा रूम। फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप, तो आपको क्या क्या लाना पड़ेगा? तो एक बार में आपको पूरा पे करना है तो करना है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। तो हेलो यार, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है उसके बारे में। मेरे पास इंस्टाग्राम और कमेंट में बहुत से डीएम आते थे कि हॉस्टल के बारे में बताओ, उसका फूड, उसके लिए मतलब डे आउट नाइट आउट के लिए हमें जाना हो तो कैसे मिलेगा। वो सारे मैं लिख लिया हूँ, उसका फीस वगैरह फूड वगैरह कैसा है और हॉस्टल कौन से अच्छे हैं मैं लिख रखा हूँ, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। और मैं अभी हॉस्टल में हूँ, दिख रहा होगा यार, जाकिर हॉस्टल में मैं रहता हूँ, 5 सीटर है। इस पे भी आऊँगा कि 4 सीटर 5 सीटर कौन कौन हॉस्टल है। तो फर्स्ट ये बता दूँ कि हॉस्टल 3 है, जाकिर है और एनसी टावर्स है, और उधर गोबिंद साइड करके है, मे बी उस साइड है, साउथ ब्लॉक की तरफ है वो, थोड़ा उस साइड है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग करते हैं, 4 सीटर भी है 5 सीटर भी है और 3, 2, 1 तो है ही वो शायद। तो एनसी जो टावर्स है वो टावर्स है 1, 2, 3, 4 तक है, 5 सीटर उसमें नहीं है, 5 सीटर इसमें है जाकिर में। मैं अभी 5 सीटर में हूँ और रूम में हूँ, मैं भी अपना रूम भी दिखा दूंगा। और फर्स्ट टाइम आ रहे हो आप, तो आपको क्या क्या लाना पड़ेगा? तो यार देखो, हॉस्टल में आपको बेड मिलेगा, सिर्फ बेड मिलेगा, मतलब उस पर गद्दे वगैरह नहीं मिलेगा, और टेबल मिलेगा, चेयर्स मिलेगा और एक मिलेगा अलमीरा। तो आपको लाना ये है कि गद्दे लाना पड़ेगा, तकिया वगैरह लाना पड़ेगा, और हाँ नेट के लिए आपको वाईफाई के लिए ये हॉस्टल वाले दे रखे हैं, बट आपको राउटर लेकर आना पड़ेगा या लैन केबल वगैरह लेकर आना पड़ेगा। और हॉस्टल के नेट की बात करें तो हमेशा रहता है, 24 आवर्स रहता है, कभी कभी कट कर देते हैं। और हाँ फूड के बारे में मैं बता दूं, तो फूड है कि 3 टाइम्स मिलता है, मॉर्निंग में मिलता है सुबह कितने 7:30 बजे, 7:30 से 9 बजे मिलता है, और लंच आपको मिलता है 12 बजे से 2 बजे तक। दिन आपको मिलता है वही चाय पानी वगैरह, थोड़ा बहुत बिस्किट मिल जाता है कभी कभी, कभी ब्रेड पकौड़ा मिल जाता है, लेकिन हाँ 4 बजे मिलता है, 4:30 से 5 बजे तक मिलता है, 5:10 से ऐसे ही कुछ। और नाइट को डिनर जो कि 7:30 से 9 बजे तक है। तो फूड के बारे में बताऊँ तो यार अवरेजी है फूड वगैरह A to Z जो भी है। हाँ और इसके फीस वगैरह के बारे में मैं बताऊँ तो फीस यार चेंज होता रहता है, जो भी फीस है ना पर ईयर चेंज होता है। लाइक कभी 5 सीटर का हम लोग का है 81 है, तो किसी का 89 है, मतलब जैसे जैसे आ रहे हैं उन सब का बढ़ता जाता है। इस टाइम में भी 4 सीटर का होगा 1 लाख प्लस होगा, और 5 सीटर का 1 लाख तक होगा मे बी, या 95 भी हो सकता है। और क्या, हाँ हॉस्टल को, हाँ अगर आपको 4 सीटर 5 सीटर में देखना हो कि कौन अच्छा है, तो मैं भी उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं यार। और फीस वगैरह तो मैं बता दिया, फूड टाइमिंग, हाँ गेट पास, बहुत से डीएम आते थे गेट पास नाइट पास के लिए, अगर नाइट पास के लिए जाना हो तो आपको फैमिली से परमिशन लेना पड़ेगा, वार्डन वगैरह बात करते हैं। और डे आउट के लिए जाना हो तो आप कभी भी जा, कभी भी नहीं मे भी लड़के के लिए तो कभी भी जा सकते हैं बस। और बेस्ट पीजी या हॉस्टल, तो यार पीजी देखो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी शहर में कोई है नहीं, चंडीगढ़ में तो है नहीं, शहर से थोड़ा 7, 8, 10 किलोमीटर दूर है। तो आपको पीजी भी लेना होगा तो पीजी अच्छा नहीं है यार, क्योंकि अगर आपके पास खुद बाइक वगैरह या आने जाने के लिए आपके पास है तो पीजी ले सकते हो, फ्लैट वगैरह ले सकते हो वहीं, बट उसके लिए एक मैं वीडियो दिखा दूंगा कि कितना दूर है, उस पर कभी जाऊंगा खरड़ साइड तो दिखा दूंगा। तो चलो थोड़ा दिखा देते हैं हॉस्टल वगैरह।
तो भाई ये है हमारा रूम, 5 सीटर ही है, जाकिर में हम रहते हैं, दिख रहा होगा यार। और मैं दिखा दूँ इधर से, तो 5 बेड है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, एंड 5 अलमीरा भी है, 1, 2, 3, 4, 5, सब कुछ 5-5 रहेगा। और ये है भाई मेरा बेड, अच्छा दिख रहा है ना मेरा? यार 5 सीटर अच्छा है, देख देख लेना यार कितना बड़ा सा है। एक मैं इस पे वीडियो बनाया हूँ, आप कंपेयर कर सकते हो। एंड हाँ मैं बता दूँ कि ये है राउटर यार, जिसको पता नहीं होगा ये है शायद, बस। और हाँ ये आप बाल्टी वगैरह भी ला सकते हो यहाँ से, खरीद लेना। और हाँ कि अलमीरा के लिए आप एक लॉकर ला सकते हो, खरीद लेना लॉकर भी। और क्या, यह है भाई हमारा मिरर, ये हम लोग खरीदे थे। थोड़ा बालकनी में चलकर मैं दिखा दूँ, और हाँ बालकनी से मुझे याद आया कि यहाँ पे जाकिर में ये फर्क है कि 3 रूम को एक बालकनी मिलता है, और 4 सीटर वालों में 1 रूम को एक बालकनी दिया जाता है। तो ये ऐसा है बालकनी यार, देख लो, इस पे भी स्पेस थोड़ा ज्यादा है। और हाँ कूलर वगैरह डक वगैरह मिलता है, मैं तो बताना भूल गया, तो देख लो इस टाइप का रहता है ये है बालकनी भाई। और ये है जाकिर, कौन सा है जाकिर, सी है, हाँ जाकिर सी है। ये है मैं जिसमें हूँ, जाकिर ए है, जाकिर ए के पीछे है जाकिर बी, और ये है जाकिर डी, ये अभी बन रहा है। व्यू तो अच्छा आ रहा है यार, ऊपर चलकर मैं दिखाता हूँ टावर्स वगैरह, एमसी टावर्स में चलकर दिखाता हूँ, चलो फिर। एंड भाई ये है, ऐसा दिखता है, यहाँ पे तुम खेल वगैरह भी सकते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते भी हैं कुछ स्टूडेंट, ऐसा दिखता है। एंड ये लिफ्ट है, सभी हॉस्टल में 2 लिफ्ट रहता है, एक इस साइड है एक उस साइड होगा। और ये रहा वॉशरूम, चलो चलते हैं एमसी टावर्स की तरफ। और ये है भाई हमारा मेस, जो कि अभी बंद है। बैठने के लिए कुर्सी वगैरह दिया गया है। ये मेन वार्डन का ऑफिस, ये देख लो यार टाइमिंग, ये तो हॉस्टल का कुछ वगैरह इंफॉर्मेशन वगैरह लेना हो, कॉल वगैरह करना हो तो देख लो यार। और ये है भाई जाकिर सी, और मैं जाकिर ए में हूँ, जाकिर बी की तरफ चलते हैं, ये जाकिर डी बन रहा है। ये है मेस, उस साइड से भी रास्ता था बट मैं सोचा यहीं से चल लूं। मैं बोला था ना सभी हॉस्टल में एक कैंटीन होगा इस टाइप का खाने के लिए। ये है जाकिर भी, कहाँ से दिखाऊं, चल ही लेता हूँ, सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, जाकिर भी है ये। और ये है रास्ता जाने के लिए, ये
वाओ वेदर मस्त है यार। ये सभी है जाकिर हॉस्टल और ये सभी है एनसी हॉस्टल। ये सभी जो दिख रहा है एनसी हॉस्टल है। कितने सिक्स है शायद, हाँ सिक्स है। तो भाई मैं ये बता दूं कि ये थोड़ा बहुत अभी मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ कि एनसी टावर्स में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो थोड़ा उस पर मुझे वो नहीं लग रहा है। तो बस थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ। जैसे अभी इतने बच्चे भी नहीं है, स्टूडेंट्स अभी घर पे गए हैं, तो इसीलिए थोड़ा बहुत खाली लग रहा है। और वैसे भी ये टाइम भी नहीं है घूमने का, इसीलिए थोड़ा बहुत खाली भी है, क्योंकि सभी स्टूडेंट रूम में है, पबजी वगैरह खेल रहे होंगे बग में वहीं। कैसे दिखता है भाई? और सभी हॉस्टल में एक कैंटीन होगा ये खाने के लिए। चलो मैं दिखा दूँ खुद के पैसों से। इस टाइप का सभी हॉस्टल में एक कैंटीन रहेगा खाने के लिए खुद के पैसों से। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इवनिंग में बच्चे आते हैं कुछ क्रिकेट वगैरह खेलने के लिए, बैठने के लिए। हम चलते हैं हॉस्टल के मेन जो गेट है उस साइड चलते हैं। ये जो पीछे सभी दिख रहा है ये सारे एनसी टावर्स है, और वो जो दिख रहा है वो है जाकिर टावर्स। तो चलते हैं हॉस्टल के जो मेन गेट है उस साइड चल के मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँ कितना डिस्टेंस है हमारा हॉस्टल से कॉलेज। कॉलेज जो ये दिख रहा है ये हम लोग का कॉलेज, ये जो दिख रहा है कॉलेज है और ये है हॉस्टल। फिर भी थोड़ा बहुत है डिस्टेंस है, हालत ख़राब हो जाता है यार खाना खाने के टाइम पे, क्योंकि इतना धूप में अगर क्लास से किसी का तो साउथ ब्लॉक भी लगता है, हम लोग का लगता है किसी का क्या, तो थोड़ा बहुत। लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा कहाँ मेन गेट, हॉस्टल का जो मेन गेट है उस साइड चल लेते हैं। हेलो सर, क्या हाल है? ये है भाई हॉस्टल का मेन गेट, और वो जो दिख रहा है वो हमारा कैंपस है। वो जो दिख रहा है भाई हमारा कैंपस है, और उस साइड भी वो भी हमारा कैंपस है, साउथ ब्लॉक वो है। और ये है हमारा हॉस्टल, यहाँ से एंट्री करके आप जा सकते हैं हॉस्टल से। बस। और हाँ यार, एक थोड़ा मुझे फीस में ये मुझे गलत लगा, क्योंकि यार देखो ये है कि हॉस्टल फीस जो है एक बार में ही आपको पे करना होगा। न्यू स्टूडेंट को तो टाइम देते हैं, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए ये टाइम ही नहीं देते हैं। एक बार में आपको पूरा पे करना है तो करना है, नहीं तो कैंसिल हो जाता है। तो यार सोचो अगर कोई मीडियम फैमिली से है तो एक बार में फीस 1,90,000 के प्लस कोर्स फीस 2,00,000 2,50,000 कहाँ से लाएगा यार, कुछ सोचना। ये थोड़ा मुझे जो लगता है यार, इनको कुछ सोचना चाहिए कि कोई मीडियम फैमिली से है वो इतना एक बार में कैसे दे सकता है। बस। लेकिन ये यूनिवर्सिटी तो अब और कुछ पूछना होगा तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो यार।
और वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके बाय।